एक स्कूल से लड़का बीएचयू कह दिया था कि खुद भी आप प्रवचन करते रहेंगे, सिर्फ प्रवचन ही नहीं कुछ बढ़िया भी कुछ बनेगा कैसे समाज, इसके लिए क्या करना होगा, जहाँ चोरी ना हो, जहाँ नशा ना हो, जहाँ अपराध ना हो, जहाँ बेईमानी ना हो, जहाँ रिश्वतखोरी ना हो, ये कैसे हो पाए। तो गुरु जी उसी समय लग गए सोचने, तो 2005 आते आते हम लोग को बताया कि देखो तकनीक के माध्यम से अगर कई नेताओं से पढ़ के मिले ही अपने सिद्धांत को लेकर, तो उन्होंने पाया कि दो चीज़ें जो हैं बड़ी हर विषमता के बहुत बड़ी जिम्मेदार है, एक धन और दूसरे लोगों की मनमानी और खासतौर से अधिकार प्राप्त लोगों की मनमानी, चाहे वो नेता हों, चाहे जज हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, जिनको अधिकार मिला है, ये लोग अपनी मनमानी करते हैं और जनता चुपचाप इन लोगों की बातों को सहने के लिए मानने के लिए बाध्य होती है, कुछ कर नहीं पाते, बहुत कहते उसकी आलोचना कर सकती है, नेताओं के साथ उनको बदल देगी, उनको ला देगी, लेकिन फिर वो भी कुछ वैसा ही कार्य करेंगे, तो जनता को सहना ही सहना पड़ेगा, इससे निजात कैसे, तो जिनका निजात तब मिलेगी जब जनता को अधिकार होगा अपनी समस्याओं को हल करने का और समस्याएं आज एक ऐसी व्यवस्था कि आपके पास कितना धन है, मेरे पास कितना धन है, आप यहाँ तक कि मेरा कुछ धन अगर बैंक में, भारत सरकार का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि मेरे पास कितना धन है, 100 रुपया, 50 रुपये, 500 रुपये खाते में कुछ है, तो जो खाते में जमा करूँगा उसको बैंक अधिकारी जान सकते हैं, जो घर पे जमा कर उसको कैसे जानेंगे, तो उन्हें छापामारी करनी पड़ेगी, पहले से पता नहीं, अनुमान से मारेंगे छापा, क्या होगा अलग बात। तो एक ऐसा सिस्टम बने किसके पास कितना धन है पहले जाने, सब ना जाने तो कम से कम कुछ जो सरकार के समाज के विशेष अधिकारी हैं वो जाने, तो इसके लिए तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति का खाता हो जो 18 साल की उम्र पार करने और बालिग हो गया हो और सारा लेन देन खाते से ही करें, नकदी कुछ भी नहीं। और हमारी तकनीक जब आ गई है तो हम नकदी का इस्तेमाल क्यों ना बंद कर दें, अभी जो कुछ लोग हैं जो पुराने लोग नकदी का प्रयोग नहीं कर पाते, लेकिन आने वाली अगली 10-5 साल की पीढ़ी, 10-5 साल के जितने भी बच्चे हैं अगले 5 साल लोग नकदी का प्रयोग कर लेंगे, मोबाइल से लेन देन कर लेंगे आराम से, मोबाइल ऐसे भी हैं जो कि बोलने से भी काम कर देंगे, लेकिन अभी इस मोबाइल में खाते में सिर्फ पैसा ऐसे ही निकल रहा होना चाहिए, खाते में क्यों जाए इसकी रसीद होनी चाहिए, जैसे आप हमसे पैसा मांगे तो दे दिए भैया भेज दो, 20,000 रुपये भेज, नहीं क्यों भेज दो, उधारी भेज रहे हैं तो उधार की आपकी एक रसीद हो, जब हमारे खाते में उधार की रसीद आए तब हमारा मोबाइल पैसा ट्रांसफ़र करें, क्योंकि प्रमाण है कि हमने आपको उधार दिया है और एक निश्चित तिथि पे दिया है, निश्चित तिथि के लिए दिया है, उस दिन पे आपके पास पैसा हो तो हमारे खाते में चला जाए, ये सिस्टम होना चाहिए, जैसे मोबाइल के पहले लोन होता था कट जाता था, हर सामान का QR कोड हो, उस सामान को स्कैन करें, QR कोड जितना पता उतना ही पैसा जाए, न एक पैसा अधिक न एक पैसा कम, कोई भी मजदूर है, नाई है, दर्जी है, प्रेस वाला है, वकील है, डॉक्टर है, चेकअप करने वाले पैथोलॉजिस्ट हैं, टीचर हैं, सबकी तनख्वाह, पेंटर हैं, जो भी हैं उनका भी QR कोड बने, श्रम कार्ड बनता सबका श्रम कार्ड बने, किस तरह के श्रमिक हैं उनकी वैल्यू के हिसाब से उनकी मजदूरी इसमें तय हो, स्कैन करेंगे उतनी मजदूर के खाते में जाए, सरकारी कर्मचारियों को कोई खाता नहीं है क्योंकि मजदूर है नहीं है, ना कोई सामान बेच रहे, उनके खाते में कोई पैसा नहीं जाएगा, वो घुस ले ही नहीं पाएंगे, एक ठेकेदार है इस बिल मान लीजिए किसी का दे दिया गया बजट उनके लिए आ गया 50 लाख का या 10 लाख का 5 लाख का जो भी, तो तय हो कि 10% ही आपके खाते में पैसा जाएगा, तो 10% ही उनके खाते में पैसा जाएगा, बाकी पैसा उनको खर्च ही करना होगा, और ये सिस्टम तकनीक के माध्यम से संभव है, तो इस तकनीक का प्रयोग आज क्यों न किया जाए, क्या दिक्कत है इस तकनीक का प्रयोग करने में, नेट स्लो चल रहा है, नेट स्लो कैसे चल रहा है, सारा काम बैंक का नेट ही से हो रहा है, वहाँ तो नेट ही चल रहा है, हमारे यहाँ फिर नेट क्यों स्लो हो जाए, ठीक है नेट स्लो हो जाए तो नेट के लिए पर नेट पर थोड़ा सरकार बेहतर ध्यान दे, नेट से ज़्यादा कार्य हो, दूसरी चीज़ यही कार्य, हमारे गांव के सेक्रेटरी हैं मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं बना रहे हैं, नहीं आ रहे हैं टाइम से, जन्म प्रमाणपत्र नहीं बना रहे हैं, तो उनका पोर्टल हमारे हर व्यक्ति के कंप्यूटर से, हर व्यक्ति के मोबाइल से जुड़ा हो, अगर उनके गाँव आराम रूपदासपुर है उसके आधे लोग उनके खिलाफ कहते, कुछ लोग कहते हैं नहीं बहुत गलत काम कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, इसको हटाया जाना चाहिए, मैं मांग करता हूँ उनको हटाया जाना चाहिए, आप मेरा मेरे बात से राजी हो तो समर्थन दें, तो गांव के आधे से अधिक लोग हाँ कहें, 5,000 लोग हैं 2,500 एक लोग अगर कहें नहीं इनका एक महीने का वेतन कटना चाहिए, वेतन कटेगा तो उनका वेतन कटे, उनका निलंबन हो एक महीने के लिए, उनका निलंबन हो, तो ये अधिकारी सीधे जनता के, गाँव का अधिकारी गाँव की जनता के अधीन रहेगा, थाने का अधिकारी थाने की जनता के अधीन रहेगा, मैं धीना थाने के जितने लोग हैं वो दरोगा उनके कंट्रोल में रहेगा,
रिश्वत खोरी तो कोई कर ही नहीं पाएगा, तो करेगा क्या, कोई मनमानी करेगा, जान पहचान वाली करेगा खाली, कि जान पहचान किसी पर धारा ज़्यादा लगा दे, क्योंकि पैसा देने का काम समाप्त, क्योंकि उनके पास क्यू आर कोड ही नहीं, उनके खाते में पैसा जाएगा ही। तो आज तकनीक हो गई है तो इसका क्यों ना प्रयोग किया जाए। दूसरी चीज़, यही तकनीक का प्रयोग कानून बनाने के लिए, अग्निवीर कानून बनाया है, जनता से राय ली गई, क्यों नहीं ली गई यार, तो हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, सदस्यता अभियान बीजेपी चलाते हैं, मिस कॉल लीजिए, क्यों नहीं मिस कॉल मांग ली अग्निवीर कानून पे, ये कानून है, 4 साल की नौकरी होगी, इतनी तनख्वाह होगी, सारा प्रोसीजर देते, इतने लोग पक्ष में हैं, हाँ कहते तो कानून बनता, ना कहते तो नहीं बनता। जनता सिर्फ सिर्फ वोट लेंगे और वोट लेकर के फिर अपने मन की करेंगे। कल कांग्रेस करेगी, कांग्रेस ने प्राइवेट व्यवस्था ला दी विद्यालयों में, जिसके पास प्राइवेट पढ़ाने का पैसा नहीं हो तो नहीं पढ़ा पाएगा। इसमें जनता की राय ली कि कानून हम ला रहे हैं, क्यों नहीं लाए, नहीं मांगते तो घोषणा पत्र में आप वोट ही मांगते कि हम ये प्राइवेट व्यवस्था लाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटलाइज वाली व्यवस्था लाएंगे, आप लोग पक्ष में हैं तो हमको वोट दीजिए, नहीं तो जनता हरा देती है आपको। तो हम लोग मांगे कि जनता का ही शासन हो और सारा लेन देन डिजिटल हो, इसके लिए पार्टी बनाए, 2014 में रजिस्टर्ड कराए, पहले लोग नहीं समझते थे, उसमें तो मोबाइल ही नहीं था, फिर मोबाइल आ गया तो अब लोग समझते हैं, 2019 का चुनाव नहीं लड़ पाए, हमारा ही लड़ से पर्चा खारिज हो गया। तो अब जनता के साथ जितने लोगों से जुड़ेंगे ये बात अच्छी लगेगी, एक बार अगर 20-25 हज़ार लोग वोट देंगे तो ये बात मीडिया में उठेगी, चर्चा में आएगी, राष्ट्रीय परिदृश्य में आएगी, तभी विचारधारा धीरे धीरे फैलेगी। इसी के लिए आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों का बात बढ़िया लग रही है, समर्थन करना चाहें तो समर्थन करें, आने तो फिर वही है कि इसमें एक और चीज़, राष्ट्र की जितनी संपत्ति है रोजगार लेने से नहीं मिलेगी, मांगने से। आप एक सोन नदी है, कोई भी नदी है, उसमें लाल बाबू निकलता है, कहीं पहाड़ है गिट्टी निकलता है, वो राष्ट्र की संपत्ति है, सबकी है। तो हमको घर बनाने के लिए बालू चाहिए, खाएंगे तो है नहीं, घर ही बनाएंगे ना, कोई बनाएगा, मैं बनाऊंगा, तुम बनाओगे, वो बनाए, कोई बनाए, तो उसको जाना चाहिए, अपने ट्रैक्टर का जो किराया लगे, ट्रक का किराया लगे वो लगना चाहिए, मजदूरी लगनी चाहिए, लेकर अपने घर का बना दे, बीच में रॉयल्टी क्यों लगती है 20 हज़ार में, पर्ची कटाओ 20 हज़ार, और वो पैसा कौन लेता है, तो इसका मतलब जो सरकार में शामिल कुछ लोग हैं वो ले रहे हैं, तो दिनों दिन अमीर होते चले जाएंगे, कोयला मिलेंगे, हीरा मिलेंगे, सोना मिलेंगे, चांदी मिलेंगे, पेट्रोल मिलेंगे, गैस मिलेंगे, तो वो अमीर होते जाएंगे। और दुनिया में अमीर जो है वो इसी नियम से बनते हैं, आप ही के बैंक में पैसे जमा हुए हैं, उस पैसे पर वो लोन दे दिया जाएगा, उसे राष्ट्रीय संपत्ति खरीद लेंगे, और वह संपत्ति दिखा दें घाटे में चली गई, सरकार उनका आप ही का टैक्स लेकर बजट दे देगी, उनका टैक्स माफ हो जाएगा, वो आपका संपत्ति, आपके टैक्स से बना एयरपोर्ट वो खरीद लीजिए, आपके टैक्स से बना रेलवे स्टेशन वो खरीद लीजिए, फिर उसका जो आप टैक्स भी देते हैं उसका पैसा भी देते हैं, बनवाने का ही पैसा दिए हैं, और फिर इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी पैसा देते हैं, रोड बनी है आपके टैक्स से, तो फिर रोड का फिर टैक्स क्यों देना पड़ता है, गाड़ी बन लेते हैं तब भी हम 18,000 टैक्स देते हैं 1,00,000 के, और फिर रोड बनाने का भी टैक्स देते हैं, फिर जाने पर भी टैक्स देते हैं, फिर कौन लेते हैं, तो लेने वाले दिनों दिन अमीर होते जाएंगे, हम दिनों दिन गरीब होते चले जाएंगे। तो राष्ट्र की संपत्ति में हिस्सेदारी तय होनी चाहिए हर व्यक्ति की, और ये नियम बनना चाहिए कि राष्ट्र की एक व्यक्ति की सबसे एक व्यक्ति के पास अगर 1 साल में 20 करोड़ कमाता है, एक आम व्यक्ति भी कम दिमाग वाला भी 1 करोड़ कमाना चाहिए। 165 करोड़ आमदनी है मुकेश अंबानी के रोज की, 13 करोड़ रोज ईशा अंबानी की कमाई है, हम लोग की हमारी पत्नी की 13 रुपये भी कमाई नहीं है, क्या वास्तव में उतनी बुद्धिमान है कि 13 करोड़ रोज कमाती है, और हमारी इतनी गधई है कि 13 रुपये भी नहीं कमाती है, ये सिर्फ प्रतिभा या मेहनत का ही खेल है कि इसमें कुछ नियमों का खेल है, कि कैसे ऐसा होता जाता है, दिनों दिन वो धनी क्यों बनते चले जाते। तो राष्ट्र की संपत्ति में भी 1 से 20 के अनुपात में, राष्ट्रपति की तनख्वाह अगर 20 हज़ार है रोज, तो मजदूर की तनख्वाह 200 रुपये किस नियम से है, क्योंकि उनके बीवी बच्चे खाते हैं, इसकी बीवी बच्चे नहीं खाते हैं, मजदूर है लेकिन मजदूर को मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए ताकि वो भी अपना बेहतर जीवन जी सके। तो राष्ट्र में अगर देश में अमीरी रेखा गरीबी रेखा है तो अमीरी रेखा भी बननी चाहिए, इससे ज़्यादा धन किसी के पास नहीं रहेगा। अगर एक आंकड़ा है कि एक व्यक्ति की जो सबसे बुद्धिमान प्रतिभावान वैज्ञानिक है देश का, अगर उसकी 1 साल की आय 20 करोड़ कर दी जाए, उससे ज़्यादा किसी की नहीं रहेगी, तो किसी की आय 2 करोड़ से कम नहीं रहेगी अगर ये मानक बने तब। लेकिन ये किसी की आय इसलिए कम है कि किसी की 1 साल की कमाई 10,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ तक भी, 5,000 करोड़ तक भी कमाई है कुछ लोगों की। आप लोग सुने होंगे टाइटेनिक जहाज़ देखने गए थे मलबा 2-2 करोड़ का टिकट करा करते,
उनके पास इतना पैसा है कि वो मलबा देखने जा रहे हैं 100 साल का पानी के भीतर, 2 करोड़ का टिकट लेकर। प्रश्न मरने का नहीं है, प्रश्न 2 करोड़ खर्च करने का है। कैसे कैसे व्यक्ति 2 करोड़ सिर्फ देखने के लिए खर्च कर रहे हैं 2 दिनों के लिए, और हम आप ऐसे हैं। अभी अब चुनाव आएगा, देखेंगे रैलियों में जाकर, उस रैली के टेंट का जितना किराया होगा उतना हम जैसे परिवारों के जीवन भर की कमाई नहीं होगी। जितना जीवन भर कमा पाएंगे ना, उतना मोदी जी और योगी जी किसी मंत्री का जो टेंट लगेगा उस टेंट का किराया हम लोग नहीं दे पाएंगे इसे। और फिर क्या हो सकता है उस देश की, उस व्यवस्था की। अधिकारी हैं, अधिकारी काम करते हैं, सीधे अधिकारी जनता के अधीन रहे, और उसमें मदद हमारी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी करेगी। नेता के बीच में क्या आवश्यकता है देश प्रभार बनने की। नेता पहले आवश्यकता थी क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। जनता चिट्ठी लिखकर थोड़ी दिल्ली भेजेगी, कितना अंतरदेशी जाएगी, कितना नेता पढ़ेगा तो कहेगा नहीं ये काम काम होगा, पहले नहीं था। लेकिन अब तकनीकी है तो तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हम लोग जनता के बीच पहुंचते हैं, जागरूक करते हैं। आपको बात बढ़िया लगी हमारी या कुछ पूछना पूछे, बढ़िया लगी तो आप अपना नाम और मोबाइल नंबर दे